नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कुशीनगर में बीजेपी का प्रचार करने पर मुस्लिम युवक को महंगा पड़ गया। बीजेपी का नारा लगाने वाले युवक की पड़ोसियों ने हत्या कर दी और युवक के प्रचार करने का पट्टीदारों ने विरोध किया। पट्टीदारों की पिटाई से युवक की मौत हो गई और लखनऊ में इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया ने खबर जब चलाई तो उसके बाद प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जागते हैं। तहसीलदार ने मृतक के परिजनों से बयान भी लिए हैं। घटना के कारणों की जानकारी ली गई। केवल मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति कर रहा था पुलिस महकमा। घटना के 5 दिन बीतने पर भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। भाजपा की सरकार बनने पर बाबर ने गांव में मिठाई बांटी थी और इसी को लेकर के पड़ोसियों ने नाराजगी जताई। रामकोला के कटघर ही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से उस पार्टी के लिए प्रचार करना, उस पार्टी की जीत पर खुशी मनाना, मिठाई बांटना कुछ लोगों को रास नहीं आया और इसी को लेकर के हमला कर दिया जाता है उस शख्स के ऊपर। बाबर उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसके ऊपर यह हमला होता है। दरअसल बाबर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, प्रचार किया और जीत के बाद जब खुशी मनाने के लिए उसने आसपास मिठाई बांटी तो उस दौरान उसके ऊपर हमला कर दिया गया। वापसी होगी जिनकी परफॉर्मेंस सही रहा है, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, ये बड़े नाम है, कह सकते उनके सुरमा थे, लेकिन इनका मंत्रिमंडल में वापसी नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का अपना निर्णय है कि वो किसको दोबारा मौका देती है नहीं देती। मंत्रिमंडल बनाना जैसा कि मुझे समझ में आता है मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, पर अगर उन्होंने या उनका निर्णय था या नेतृत्व तो क्या उनके निर्णय रहा हो, अगर उन्होंने नहीं उन लोगों की वापसी की है तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये सभी मंत्री वरिष्ठ थे, इन्होंने काम किया है, इनको मौका मिलना चाहिए था। पर अगर निर्णय हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई उनके लिए वैकल्पिक कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई होगी। और ये निर्णय तो क्योंकि सरकार का, उनके नेतृत्व का है, मुख्यमंत्री जी कौन किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे तो निर्णय वो करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है? सवाल तो ये उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एक राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए, उसकी कैंपेनिंग करने के लिए और जब जीत उस पार्टी को मिलती है तो उसमें उसके बाद मिठाई बांटने पर नाराजगी कुछ लोगों को इतनी ज्यादा बन जाती है कि पिटाई कर दी जाती है, हत्या हो जाती है उस शख्स की। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बाबर बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता था। पूरे चुनाव में उसने पूरे मनयोग से पार्टी का प्रचार किया था। जब सरकार 10 मार्च को प्रणाम घोषित हुए तो उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े, जिसका इसके पटदारों ने चुनाव के दौरान भी और इस मिठाई बांटने और पटाखा फोड़ने पर भी इसके पटदारों ने, इसके पड़ोसियों ने विरोध दर्ज कराया, इसको धमकी दी, जिसके बाबत ये स्थानीय थाने में भी गया था कि इस तरह से हमको धमकी नहीं लगी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसकी बातों पर दिया इस परिणाम हुआ। जब ये 20 तारीख को जय श्री राम के नारे लगाए तो इस पड़ोसी ने दौड़ा दौड़ा कर किया और जब ये भाग के अपने बचाव के घाट के छत पे भी चढ़ा तो वहां भी इसके पड़ोसी उसको पीटने लगे और वहां से छत से ही इसको धक्का दे दी, जिसको गंभीर चोटें आई, जिसका अंतर लखनऊ तक चला, लेकिन बीती रात उसकी मौत हो गई। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी देने के लिए।